एक संक्षिप्त में चली जाती है, मिथ्या प्रचार कर देते हैं, उसे पर्याप्त कर दीजिए। कल हमने यही तो प्रश्न किया था चाची, तो एक पर्याय सर्वांश होती है। हमने आपकी बात को जय जय गुरुदेव नहीं दिया, आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार से गुण पर्याय द्रव्य एक ही वस्तु है, बिल्कुल और उसी की व्याख्या है, लेकिन एक वस्तु होने पर भी भिन्नत्व है, संगलक्षण प्रयोजन से भिन्नत्व है। अरे भाई पर्याय व्यतिरेक कल आपने समझाया संगलक्षण को अलग से, बिल्कुल बोले संगलक्षण से तो है ही उससे, और आप कहो ना अर्धरात्रि के सम पढ़ने वाला क्या नाम है, सुनकर के ज्ञान प्राप्त किया। हमारे कमरे में तो थे आप जब सोलह का भाव की बात कर रहे हैं, सोलह का तो सोचो उसने क्या पकड़ा, पूरी लिखा हुआ है कि बोला हुआ है। कल्याण हमारा तुम्हारा तुम जाना हमारा तो हो ही जाए। Gracias.
चरण पठारे मेरे भाग खुल गए वो भी बढ़िया बिल्कुल कर्नाटक में जाए ना जीवन में एक टीम बन गई उनकी जिस कल जो समझ में पूरी ग्रुप बन ग्रुप बन गया उसका जो व्यवस्था अपने जमीन दिखा रहे हैं हम अपनी जमीन पूरी दान कर रहे जमीन दान कर दे और जमीन और हम दो ही कर लेंगे Yeah, I'm going to go.
से भी बात हो गई थी। नमोस्तु शासन जयवंत हो। नमस्ते भाई, हमारे नहीं खेल रहे भी नमोस्तु सर। जब
कहा कि बस साधारण प्रकृति से काम नहीं हो सकता था, ऐसा किसी को चिल्लाना पड़े वो काम नहीं होगा। धार्मिक भी लोग एक भी। अच्छा, बच्चे हो चुके हैं।
आदरणीय दादा बाबूलाल जी साहब प्रबंधी अध्ययन कर रहे हैं अभय जी राकेश जी बदलिए आएंगे भैया राकेश जी अभय जी सामान तो मुझको देखने का ओ भैया 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 थाली में सामान जब पकाइए ओ आनंद होगा ये थोड़ा सा पीछे आ जाओ सर जी सस्ते में छोड़ो पीछे यार पंडित सिखा रखा हमारे हम लोग सब समय आगे बढ़ते जाना चाहे चाहे
सिद्ध करें हमारे प्रसिद्ध सहकर महाराज की रसटी माया रसा दिव्या कमल लोचनी हंस स्कंद समारूढ़ा वीरा पोषक धारिणी चतुर्थम हंस कामिनी पंचमं बिरसा माता सत्संभागेश्वरी सरा कुमारी सत्मं प्रोक्तम अर्थम ब्रह्मचारिणी शरणं चा जगन्माता प्रथमं ब्राह्मणी तथा चतुर्दशं पंचदशं च सुतदेवी षोडशं गोणदते सरस्वती नाथोऽयं दृढकामरूपिणी विद्यारम्भं समा सिद्धि में तुम्हेरा सिद्ध बाबा तुम्हेरा श्रोमणि 108 आचार्य गुरु बिसठ सागर जी महाराज की पूरी करे दुखी दारिद करे मसा पूरी करे बाबा दवा गढ़वाले सब कुछ पायो खाली झोली भरे खाली झोली भरे ओ खाली झोली भरे खाली झोली भरे हमें गुरुवर पधारे खुल गए हैं भाग्य हमारे नगरिया में गुरुवर पधारे गुरुवर नगरी में आज है आए नर नारी समय गूंज गाए और बड़ी भक्ति के साथ में हो रहे हैं बोले परम पूज गुरुवर सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव पीड़ा में आपके चरणों में मेरे गुरु के चरण रे पखारे मेरे गुरु के चरण पखारे गुरु गुरु के चरण पखारे मेरे गुरु के चरण पखारे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव बिना में आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में चालन कर लागे चरणे पखारे मेरे गुरु के चरणे पखारे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में हे गुरुदेव बिना में आपके चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में चालन कर लागे चरण गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है विशुद्ध सागर गुरुदेव गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति बाड़ी माँ बाड़ी माँ बाड़ी माँ जिन्हें बाड़ी माँ बाड़ी माँ जिन्हें बाड़ी माँ बाड़ी माँ हमको अपना आशीर्वाद दो दृष्टि डाली मन मन तुमने कर दिया
ज्ञान की रसे ना बहा दो, रसमयी रसे ना बना दो। महावीर से आदिनाथ तक, राग सागर की वाणी, विशुद्ध सागर की वाणी, तुमसे लागी लागी। ध्यान दीजिए, हाँ ध्यान दीजिए, ये कार्य यहाँ पर अभी प्रस्तावित है, जगह ले ली गई है त्यागी वृत्ति भोजनालय की। अभी यहां दो बहनें रहने आई थी लेकिन व्यवस्था नहीं बन पाई तो वहां से चली गई। तब हमारी समिति ने निश्चित किया कि जगह लेकर के त्यागी वृत्ति आश्रम यहां बनाया जाए स्वतंत्र, जिसमें त्यागी वृत्ति में महिलाएं जो त्यागी हैं वो रह सके, कोई भी, कोई क्योंकि भी। उनके नहीं कोई भी, इसलिए कि मंदिर परिसर में नहीं रहते ना तो उनको बाहर, इस तरह से त्यागी वृत्ति आश्रम बनाने के लिए आज अपन वहां का शिलान्यास करेंगे। और शिलान्यास की विधि में सर्वप्रथम गैती कुदाल, चांदी की कुदाल से उसकी नींव खोदी जाएगी। हमने अपने लिए मकान बहुत बना लिए, घर बहुत बना लिए, संसार के सभी जीव लगभग अपना घर बना लेते हैं लेकिन मनुष्य को यह सौभाग्य प्राप्त है कि वो अपना घर तो बनाता ही बनाता है, भगवान का मंदिर भी बनाता है, त्यागी वृत्तियों का आश्रम भी बनाता है। बिनिदा डिप्टी कलेक्टर आ जाए, शिवल लेके आ जाए ऊपर, ये रखा इंद्र कुमार जी शिवल ले, ये रखे। तो ये चांदी की कुदाल से, क्योंकि वास्तु शास्त्र आदि में लिखा है कि जब भी कोई मंदिर भवन आदि बने तब निकृष्ट धातु का उपयोग ना करें, निकृष्ट धातु अर्थात है लोहे का उपयोग ना करें, स्पष्ट उल्लेख है। तो यह चांदी की कुदाल है, इसके माध्यम से नींव खोदी जाएगी, शुभ मुहूर्त में खोदी जाएगी, मंत्रों के द्वारा खोदी जाएगी, जिसका परिणाम होगा कि यह त्यागी वृत्ति आश्रम युगों युगों तक चलता रहेगा। त्याग लेने वाले व्रत लेने वाले कहाँ रहेंगे, उनकी भी व्यवस्था क्षेत्र पर अवश्य होनी चाहिए। ये सारा कार्य हमारे यहाँ की समिति पीछी बोलो ना साथी, अपने कोमल पंखों से जीवों के प्राण बचाती, पीछे और कमंडल का पीछे और कमंडल का ऐसा संयोग जुड़ा के, कम से कम आप लोग ताली तो बजाइए दोनों हाथों से। ओ खुश हो गए गुरुवर ने तुम्हें हाथों में थाम लिया है, पीछे बोलो ना पीछे बोलो। स्वामी की, एक जड़वान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की।
परम पूज आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की यही समय विश्व धर्म की तीर्थंकर दिन दीप की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाड़ी मनीषियो जगत कल्याण ये सर्वज्ञ साइसन नमोस्तु साइसन जयवंतो जयवंतो वित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व सुंदरा को भूतार्थ वस्तु के वस्तुत्व का उपदेश प्रदान किया है। देह को संभालना, देश को संभालना, समाज को संभालना ये सब बहुत सरल कार्य है। अपने भावों को संभालना दुनिया में सबसे बड़ा कठिन काम है। देश को, राष्ट्र को, विश्व को संभालने वाले की दशा यदि संभालते संभालते समाप्त हो जाती आयु क्रम, उसका नियत नरक आयु का बंध है। चक्रवर्ती यदि राज्य संभालते संभालते मरण को प्राप्त होता है, उसकी नियम से एक ही गति उसको नरक जाना ही पड़ेगा। यदि संयम धारण कर लेता है तो स्वर्ग और मोक्ष दो गतियां उसकी। राज्य करते करते कोई जीव मोक्ष नहीं जा सकता है। जब आचार्य परमेष्टि आचार्य पद पर आसीन रहते रहते मित्र समाधि मरण नहीं कर सकते हैं, तो चक्रवर्ती जो है वो चक्रवर्ती पद पर रह करके निर्वाण कैसे प्राप्त कर सकता है। इसलिए मित्र इस बात का विवेक रखना चाहिए, 24 घंटे देश के, राष्ट्र के, समाज के, भवन के निर्माण में लगे होने पर भी मस्तिष्क में चिंतन धारा चलना चाहिए कि मैं निर्वाण मार्ग दूषित तो नहीं हो रहा है। वो निर्वाण मार्ग दूषित हुआ, शीघ्र निर्माण मार्ग छोड़ देना चाहिए। अंतिम शांति चाहिए है। कदाचित जीव अल्प प्रशस्त व्यवसाय के नियोग से स्वर्ग में देव भी हो गया, तो यहां पर बैठ करके मौगना धर्म साधना करते भी 24 घंटे की भावना भाना पड़ेगी। तीर्थंकर भगवान बनने के लिए भी 16 कारण भावना भाना पड़ती है उनको। एक नहीं, दो नहीं, 16 भावना भाती। बोले क्यों, किस भावना से चित होते हैं, दूसरी भावना में पहुंचते हैं, लेकिन जब तक दर्शन विशुद्धि भावना नहीं होगी तब तक 15 भावना कुछ नहीं कर सकते। जिस जीव के पास सम्यक उपलब्धि है तभी तक यानी ज्ञान उपलब्धि काम करेगी। और सम्यक उपलब्धि नहीं तो ज्ञान की उपलब्धि कोई भी काम करने वाली नहीं है। इसलिए अपने जीवन में विवेक रखना चाहिए, हम आजीविका के लिए न ज्ञानी बने, जन्म मरण का क्षय करने के लिए ज्ञानी बने। आजीविका का ज्ञान जो है बहुत न्यून है, भगवान बनने का ज्ञान बहुत बहुत विराट है। 4 पुस्तकों के ज्ञान से रवि आप आजीविका कर सकते हो, और ना भी पढ़ो तब भी आजीविका कर सकते हो। जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग भी जी रहे कि नहीं जी रहे हैं, पशु पक्षी जी रहे कि नहीं जी रहे हैं, लेकिन विश्वास रखना मति ज्ञान प्राप्त कर लिया, सुरत ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, ये छोटे मोटे ज्ञानों से भगवान नहीं बन सकते हो। अवधि ज्ञान भी प्राप्त कर ले तब भी भगवान नहीं बन सकते हो, मनापरी ज्ञान भी प्राप्त करो तब भी भगवान नहीं बन सकते हो। भगवान बनने के लिए केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा, और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब पीछे मुड़ के आइए। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंडित जी बड़ा गांव, केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अपने मध्यश्रुत ज्ञान को संभाल के चलना पड़ेगा।
अभी तक आपने सुन के रखा है कि मन को बस करूं, आपने सुन के रखा है इंद्रियों को बस करूं, ये कुछ भी बस नहीं करना। ना मन बस को करना है दिल्ली मुमुक्षु हो, ना मन बस करना है ना इंद्रियां बस करना है, आपको वश करना है। तो यानी ज्ञान को संभाल लो, उसी से इंद्रियां काम करती हैं, उसी से मन काम करता है। यदि ज्ञान नहीं है तो ना इंद्रियां काम करेंगी ना मन काम करेगा। ज्ञान को संभालने की आवश्यकता है। यदि इस थाली को उठाकर रवि नीचे रखना है तो आपको आपको मेरे हाथ ने काम किया, आपको मेरे मन ने काम किया है। हे मित्र, हाथ मन तब काम करेगा इसमें ज्ञान का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ है। यदि ज्ञान उड़े कर्म का क्षोभ सम नहीं है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर सकती, मन कुछ नहीं कर सकता। इसलिए योगियों ने साधना के काल में कहा इंद्रिय मन को बस करो, साधना के काल में कहा इंद्रिय मन को बस करो, पर योग की लीनता में कथन किया इंद्रिय मन नहीं ज्ञान को बस करो। चाहे हेलोजन जल रहा हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे कोई मशीन चल रही हो, ये सब आपको यंत्र भिन्न भिन्न दिखेंगे। इनका चलाने वाला कोई है, वो विद्युत एकत्व भूत है। बराबर चक्की भी चल सकती है, दूसरी मशीनें भी चल सकती है, लेकिन विद्युत एक ही है। ऐसे ही आप चक्षु से काम ले रहे हो, घ्राण से काम ले रहे हो, आप यानी जिब्बा से काम ले रहे हो, स्पर्श से काम ले रहे हो, कर्ण से काम ले रहे हो, मन से काम ले रहे हो, पर इन सब का कोई विद्युतीकरण कर रहा है, उसका नाम ज्ञान है। इसलिए आत्मा को किसी भी ग्रंथ में इंद्रिय स्वभावी नहीं कहा जाता, आत्मा को मन स्वभावी नहीं कहा जा सकता है। आत्मा इंद्रिय स्वभाव नहीं है, आत्मा मन स्वभावी नहीं है। जो स्वभाव होता है वो त्रिकालिक होता है, वो बदलता नहीं है। जो स्वभाव होता है वो त्रिकालिक होता है, बदलता नहीं है। आत्मा इंद्रिय स्वभावी यदि हो गई तो सिद्ध भगवान जीवत शून्य हो जाएंगे। आत्मा मन स्वभावी हो गई तो केवली भगवान जीवत्व भूत नहीं बचेंगे। इसलिए आत्मा इंद्रिय स्वभावी नहीं है, आत्मा ज्ञानियों मन स्वभावी नहीं है। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो और एकाग्र हो जाइए। उन बातों को बालक पंडित बेटा सब जानते हैं जो तुम जान चुके हो। अत्यंत परोक्षों को जानने की अत्यंत परोक्ष को जानने की प्रज्ञा को जागृत करो। केवल ज्ञान सिद्ध पर्याय आपसे अत्यंत परोक्ष है। आप जो भी जान रहे देख रहे हो उन्हें ही जानते, उन्हें ही देखते हो, उसी में आप अपनी प्रज्ञा का नाश कर रहे हो जिनमें जानने देखने की सामर्थ्य ही नहीं है। सोनीपत मित्र क्या है, पेंसिल है ना, इसमें कितने ज्ञान है। झांसी ज्ञानी इसमें कितने ज्ञान है, टीकम गढ़ कितने ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं। इस शरीर में कितने ज्ञान है, शरीर में पूछ रहा हूं, कोई ज्ञान नहीं। इस माइक में कितने ज्ञान है, दिल्ली के ज्ञानी कहां गए। मित्र आपकी कुर्सी में कितने ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं। आपके बेटे की मां के शरीर में कितने ज्ञान है, ओ सब ज्ञानी बैठे हुए यहां पर। आपके बेटे के शरीर में कितने ज्ञान है, पर्वतों पर कितने ज्ञान है, सूखी झाड़ियों में कितने ज्ञान है, बोलो बोलो, कोई ज्ञान नहीं। हे मित्र मैं आपसे प्रश्न करना चाह रहा हूं, आपकी थाली में जो भोजन रखा हुआ है उसमें कितने ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं। जिसे तुम भोग रहे हो उसमें ज्ञान नहीं है,
जिसे तुम जान रहे हो उसमें ज्ञान नहीं है। हे मित्र, आपने आज तक जिसे जाना है वो ज्ञानी है ही नहीं। आप कह सकते गुरुजी मैं तो आपको भी जान रहा हूं, आप मुझे जानने के लिए आपको केवली बनना पड़ेगा, मुझे जानने के लिए आपको केवली भगवान बनना पड़ेगा, यानी आप मुझे नहीं जान सकते। आप जो भी मुझे जान रहे हो मेरे शरीर को जान रहे हो, न कि विशुद्ध सार की आत्मा को जान रहे हो। और आप केवली भी बन जाओगे ना तब भी मुझे नहीं जान पाओगे। भाई जितने यहां ज्ञानी बैठे हैं, तुम्हारे देश में जितने विद्वान आचार्य मुनि मेरे मित्र जितने विद्वान कोटि के हों, सबसे पूछ के आना कि नवागढ़ में भगवान अरहना स्वामी की चंद निश्रा में विशुद्ध सागर कह रहे थे कि केवली भगवान भी मुझे नहीं जानते, नहीं जान सकते। जाने ना, जाने ना वो वेद ना। गुरुजी संपूर्ण द्रवगुण पर्याय को जानने वाला केवली भगवंत है, वो आपको नहीं जानता क्या? हाँ, जिस दृष्टि से हम जनाना चाहते वो नहीं जान पाते। पत्रकार जी खड़े हो जाओ, ये पत्रकार हुए डॉक्टर हुए इन्हीं लोगों को पहले समझाना चाहिए, ये दुनिया को समझाएंगे। हे मित्र, हे मित्र, अपने चोटियां लेना जरा, ठीक। पंडित जी आप भी लेना जरा। रवि समय मेरे पास कम है क्योंकि जय निशान सब समय ले गए। अब इधर देखो, आप ही बताइए, आपने यूं चोटियां लिए तो आपने जाना कि नहीं जाना? पंडित जी लीजिए फिर से, ये पंडित अपनी चोटियां ले रहे हैं, आप जा रहे हैं कि नहीं? दिख नहीं रही आपको क्या? ओहो, ये ललितपुरिया इतन एक क्षण में ज्ञानी हो गया, लेकिन ये पंडित अपने चोटियां ले रहे हैं, आप जान रहे? ईमानदार से बोलना, नहीं जान रहे आप? तो फिर आप घर नहीं पहुंच पाओगे। देख रहे कि नहीं देख रहे हैं पंडित जी की चोटियां? देख रहे हो अपने? अच्छा, समझ गया नहीं? यही तत्व समझना है, और ये तत्व हमारे समाज के बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। ये अपने नवागढ़ के गुरुकुल का प्रत्येक छात्र वो ज्ञानी बने तो ये कैसे कि केवली भगवान हमें नहीं जान सकते? कैसे बे प्रभु, ऐसे तो जानते हैं हमें जैसे आप पंडित जी के हाथ की चोटियां देख रहे हो, लेकिन भेद नहीं रहे हो। वो अपनी चोटियां तुम भेद भी रहे हो, वो जान भी रहे हो। बहिर्व्यापी व्यापक भाव से परमात्मा जगत को जानने देखने वाला है, पर अंतर्व्यापी व्यापक भाव से परमात्मा मात्र निज को ही जानता, जगत को जानता ही नहीं है। जब केवली भगवान मुझे नहीं जान सकता, जो अनुभूति में ले रहा हूं वो अनुभूति भगवान बहिर्गे की दृष्टि से जान रहे हैं, लेकिन अनुभव नहीं होता है। अनुवंश का ही होता, पर का होता ही नहीं है। पर इंद्रिय सापेक्ष दशा में ये सारा जगत उसको देख रहा है, उसे जान रहा है। हे मित्र, जिसमें जान नहीं है, आपके पांच इंद्रिय के भोग जो चल रहे हैं, पांच इंद्रिय के भोग चल रहे हैं, वो जड़ के भोग है, चैतन्य का भोग नहीं है। जितनी चिंता पंडित जी दशान, जितनी चिंता आपको पर वस्तु में है, परिवार में है, कुटुंब में है, देह के प्रति है, हे मित्र, उसका एक का 100 करोड़ भाग भी कर दीजिए, इतनी चिंता सो के प्रति हो जाए तो आज इस फर्श पर बैठने की जरूरत नहीं है, इस भाग पर भूमि पर बैठोगे आप। इस एक प्रागभाव भूमि पर बैठने की भावना रखते हो तो जगत को देखने की भावना समाप्त करना पड़ेगी। इसके बिना रवि लेख लिख सकते हो, पर तुम्हारे ऊपर कोई पुराण नहीं लिख सकता। हो ज्ञानी बनो जो कुछ भी ना लिखें, वो
और जिन पर हजारों ग्रंथ लिखे जाएं, उनका नाम निरगंते तीर्थंकर है। दुनिया के भगवंतों ने ग्रंथ लिखे हैं, हमारे भगवान ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा। भगवान ने कभी कोई ग्रंथ नहीं लिखा, तीर्थंकर कोई ग्रंथ लिखते ही नहीं। प्रभु की वाणी खरी है, प्रभु की वाणी खरी है, जो ग्रंथों से भी निर्ग्रंथ है उनका नाम अरिहंत है। निर्ग्रंथ कौन? जो ग्रंथों से भी निर्ग्रंथ है उसका नाम अरिहंत है। ग्रंथों का ग्रंथ भी निर्ग्रंथ नहीं बनने देगा। यही कारण है परम योगी सर वो क्षण आता है, शब्द ब्रह्म का भी त्याग करके आत्म ब्रह्म में लीन होते हैं, तब भी अशरीरी भगवान बनते हैं। जिन अरहना स्वामी के चरणों में आप सब आयो अभिषेक करने के लिए, शांति धारा करने के लिए, हे मित्र उन प्रभु अरहना स्वामी से पूछ लेना, नाथ ये जगत आपका अभी तक प्रतिमा विराजमान करके अभिषेक क्यों कर रहा है? भी आपको धीरे से कह देंगे, यानी समझ हमने चक्रवर्ती पद का अभिषेक छोड़ा है, इसलिए आज तक अभिषेक हो रहा है। चक्रवर्ती पद छोड़ा है तो भी बहुत अच्छा हुआ। शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरेनाथ, ये तीन तीर्थंकरों ने तो हम लोगों की रक्षा कर ली, आपकी नहीं की, हमारी की है। नहीं तो ये दिल्ली वाले धनपति, ये सोनीपत, पानीपत, बंबई, दुनिया के जो सेठ बैठे ना आप, ललितपुर, टीकमगढ़, सागर, दुनिया के ये सेठ लोग क्या बोलते? बोले साधु बे बने जिन्हें घर में खाने को ना मिले। और ये तुम्हारे जय, निशांत, ये जनत, विनोद, ये पंडित लोग है ना, ये क्या कहते? साधु बे बने जिनके पास बुद्धि ना हो, विश्वास मानिए। लेकिन तीर्थंकर भगवान जन्म से ही तीन ज्ञान के धारी होते हैं, इसलिए पंडित जी तुमसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं। और तीर्थंकर भगवंत शांत कुंतरेनाथ, ओहो हो, देख रमगड़ा चुन्नी के गाल पिचके रखे हैं। ओहो, ये म्यांमार का लड़का कहता, देखो मेरे तो फूले हैं बेटा, समझो तुम अरेना स्वामी को देख के आओ, समंत्रुद्ध स्वामी को लिखना पड़ गया कि सौ धर्मेंद्र प्रभु के चरणों में कह रहा था, हे नाथ तब रूप सौंदर्यम, आपके सुंदर रूप को देख करके दो नेत्रों से मैं अघाया नहीं हूं, तब हजार नेत्रों से भगवान का रूप देखता है। और ज्ञानी जब प्रभु का अभिषेक कर रहा था सौ धर्मेंद्र, इंद्राणी पानी पहुंच रही थी जल को, तो एक बूंद को बार बार पहुंच रही थी, एक बूंद गाल पर पड़ी बार बार पूछ रही थी। और जब देखा तो सौधर्मेंद्र दूर से देखता है, बोले देवी क्या कर रही है? बोले स्वामी हमने प्रभु के संपूर्ण शरीर का जल पहुंच लिया है, लेकिन एक बूंद प्रभु के गाल पर जो है ना वो छूट नहीं रही है। माता बुरा नहीं मानना, अब जो है सो है। सौधर्मेंद्र क्या बोलता है? हे देवी तू सुधर्म सभा के स्वामी सौधर मंदिर की सच्ची होने पर भी आकर है तो स्त्री। बोले क्या हुआ स्वामी? बोले बुद्धि तो तुम्हारी वही है ना स्त्री की, माता बुरा नहीं मानना, अब जो है वो बुरा माने तो ऐसी साधना करो कि अगले भाव में मनुष्य बन जा पुरुष। और पुरुष बनने के लिए सबसे पहले नारी को मायाचारी छोड़ना पड़ेगी, और पुरुष होकर की मायाचारी करना नहीं छोड़े तो तुम तैयारी रखो अपने अगली चूड़ी पहनने की। अगली पर्याय तुम्हारी चूड़ी वाली होगी, चाहे तुम मेरे मित्र विद्वान हो, दीक्षित हो, अदीक्षित हो, मायाचारी किसी भी इसमें करोगे तो बस त्रियंच बनोगे, और त्रियंच नहीं बने सौभाग्य से मनुष्य को बंद कर लिया तो नारी पर्याय तुम्हारी सुनिश्चित है कि मन में कुछ चल रहा है, वचन से कुछ हो रहा है, क्रिया में कुछ हो रहा है, यानी विश्वास रखना ये यदि आगम सत्य है तो ये बात भी सत्य है। अगली पर्याय उस जीव की त्रियंच नहीं है, त्रियंच है या फिर मनुष्य नहीं है।
क्या हुआ है? वो तो मुझे दिख रहा है, पर मैं ये पूछ रहा हूं ये बालक क्या हो रहा है? बोले ऐसे कर रहा है, बोले महाराज जी बुलटी खड़ रहे वाले। ओहो बेटा, अभी तो 10 मिनट में तुम्हारे बुलट खुलने लगे तो बहुत बड़ी बात है, ये सत्य है। जो व्यक्ति रवि अपने से जुड़ेगा वो आपकी बात नहीं कह पाएगा, जो अपने से जुड़ेगा वो आपकी बात नहीं कहेगा, जो जिन शासन परमात्मा से जुड़ेगा अपने चरम की प्रभावना नहीं करेगा, जिन धर्म की प्रभावना करेगा। आज आवश्यकता मेरे मित्र, अपने देह की प्रभावना मत डूबो, डूब सको तो जिनेंद्र के शासन की प्रभावना करो, तुम्हारी प्रभावना अपने आप हो जाएगी। गाल पर क्या हुआ? जिन प्रभावना ही करना है, गाल पर पानी। कितने सुंदर सुंदर ये बच्चे बैठे ना बेटा, तस्वीर फोटो खिंचवा लें अपने, और 10 वर्ष बाद अपने वो फोटो देखना, अपना चेहरा देखना, तो तुमको पता चले तुम कितने सुंदर हो। ओहो, सौधर मंदिर से पूछा, सोमी ये पानी क्यों नहीं छूट रहा है? सौधर मंदिर कहता, देवी तुझे बोध होना चाहिए, ये प्रभु के गाल पर पानी नहीं है। तो क्या है ये? पानी की बूंद नहीं है तो क्या है? हे देवी, तेरे मुकुट में जो मणि लगा हुआ है प्रभु का गाल, चेहरा इतना स्वच्छ है, इतना पवित्र है, इतना निर्मल है कि तेरे मुकुट में लगा जो मणि है उसकी परछाई पड़ रही है, तो प्रभु गाल पर बूंद दिखाई दे रही है। अभी सोनू टीका मुझे तो सोचता मैं ही दुनिया का सबसे सुंदर आदमी, यानी अब दर्पण देख लेना, दर्पण देख लेना, 10 वर्ष पूर्व जैसे थे वो नहीं बचे, 10 वर्ष बाद ये भी नहीं बचेंगे। मनुष्य का शरीर अस्थिर है, एक औदारिक शरीर है, इसे प्राप्त करके मित्र मद मद में फूलो, एक रोमखंड अपना नहीं है, इसे छोड़ के जाना पड़ेगा तो दुनिया की हवेलियां तुम्हारा क्या करेंगी? इनके पीछे इन भविष्य के भगवानों के प्रति दुश्मनी मत पाना। अभी समझ में नहीं आया, मैं फिर से सुना देता, मुमुक्षु मड़ावरा ये रवि कौन है आपका? इंसान है कि नहीं? आपको सोचना पड़ रहा है, आपको तुरंत बोलना था मेरा भाई है, तो इतनी देर क्यों की? मुमुक्षु मड़ावरा ये रवि कौन है? है भाई है ना, यानी भले तुम एक पेट के, एक माँ के पेट के ना हो, एक पिता की संतान ना हो, लेकिन हे ज्ञानी जिन धर्म तुम्हारा दोनों का एक एक नहीं, धर्म की अपेक्षा सब भाई एक हो। पेट के भाइयों से तुम मेल से नहीं रह पाओगे, विश्वास रखिए, ये पेट के भाई नहीं बैठे यहां पर, ये जिन शासन के भाई बैठे हुए एक साथ बैठ सकते हैं। पेट के भाई तो धनुष बाण चलाते हैं, पेट के भाई तो जिनेंद्र चक्र चला दिया, भरत ने बाहुली पर, एक पिता की दो संतानों ने चक्र चला दिया, बाहुली भरत, बुढ़ा बाहुली मित्र भाई ने तो भाई पर चक्र चला दिया, लेकिन वे जीव धन्य है जो जिन शासन के भाई होते हैं वे चीटी पर भी चक्र नहीं चलाते, भाई पर क्या चक्र चलाएं? इसलिए मुझे गर्भ के भाई नहीं चाहिए, मुझे जिन शासन के भाई चाहिए। हे ज्ञानी, जैसे तू हाथ जोड़े खड़ा है ना, ऐसे दिगंबर होके हाथ जोड़े खड़ा होता ना, विश्वास मानो रवि, विश्वास मानो। हो ज्ञानी भैया समझो, ज्ञानी पंच साहब, विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मेरा भक्त ना हो,
जितने सम्यक दृष्टि जीव होंगे वो सब 9-3 कम 9 कोटि मुनियों के भक्त होंगे। और मेरे मित्र यदि मेरा कोई भक्त नहीं है वो सम्यक दृष्टि नहीं है, क्योंकि 3 कम 9 कोटि मुनियों का भक्त सम्यक दृष्टि होता है। और यदि मैं सच्चा मुनि हूं तो मुझे विशेष रवि हमारे भक्त ऐसा दिखते नहीं है, हमको तो सारा विश्व 3 कम 9 कोटि मुनि नहीं, फिर तो मुझे 3 लोक के प्राणी अपने भक्त दिखते, क्योंकि सभी भगवान आत्मा। मूलाचार से तुम चरणा नियोग सीखो, श्रावकाचार से चरणा नियोग सीखो, लेकिन समय सार से प्रत्येक जीव में भगवान आत्मा देखना सीखो। अभी सुब्र सारी दिल्ली वाले आए, वे ज्यादा कुछ विशेष भक्ति कर रहे थे। मैंने देखा ये विशेष क्यों कर रहे हैं भाई। वो बीच में बैठा ना भैया मोटा मोटा, वो तो बिल्कुल पैर पखाड़ रहा और नाच रहा। भाई क्या बात है? बोले गुरुजी गुरुजी अभी तक आपको पढ़ते थे, आज देखने आए हैं। भैया मुझे कोई नहीं पढ़ता, विश्वास मानना मुझे कोई नहीं पढ़ता है, जिन वाणी को पढ़ते हैं और जिन वाणी जिसकी मुख में होगी। जय भैया अभिषेक हो गया क्या? जय भैया अभिषेक हो गया क्या? ये रहस्य की बात है, थोड़ा ध्यान से सुनना। कौन से कुएं से पानी आया है? जल नहीं आया, अभी नहीं आया जल, आ गया कोई पानी नहीं है, जल आया है, नीर पयस। अच्छा ज्ञानी इधर तो देख, जाने के पहले देख के जाओ। भैया जो जल आया है अब भी मालूम आप भेद करने वाले हो। सोने कलश वाले आ जाओ, चांदी वाले पानी वाले आ जाओ, तांबे वाले आ जाओ, फिर सामान्य कलश वाले आ जाओ, सब भेद करने वाला है। कर लो मित्र कर लो, ये पात्रों ने भेद किए वस्तु में भेद नहीं है, ये पात्रों ने भेद किए वस्तु में भेद नहीं है। वो कुआं कभी नहीं कहता है बेचारा जिसे तुम लेके आए हो, चाहे चांदी भरो चाहे सोने भरो, पर कुआं एक है। ऐसी दिल्ली वाले मत कहो कि विशुद्ध सार के हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, चाहे विशुद्ध सागर लिखें, चाहे सुधा सार लिखें, चाहे विद्या सार, चाहे विराग सागर लिखें, लेकिन वाणी अरहंत की है, वही जिन वाणी है। इन्हें कलशों के भेद करके भेद मत करो पानी में। हे मित्र सोने चांदी के पात्र धातु है, ये धातु के भेद से पानी का भेद मत करो। हे मित्र मुनि अनेक हो सकते हैं पर जिन वाणी महावीर की एक है। जय भैया बराबर। देखो बेचारा जा रहा था बैठने लग गया। ये आनंद है जब मेनबार मित्र अपने मकानों में तुम भाई भाई लड़ते हो, और जब कभी अवसर मिलता है माँ के आंगन में एक साथ बैठ के खीर पूरी खाते हो बराबर, और बच्चों को आंगन में आनंद नहीं आए तो दुनिया में कहीं नहीं आ सकता है। ये माँ जिनवाणी के आंगन में और पिता परमेश्वर सामने तुम्हारे विराजे हुए हैं, और वहां मेरे मित्र तुम गुरु के पास बैठे हो। इस आंगन में यदि मुस्कुरा नहीं पाए तो मेरे मित्र पत्नी की चप्पलों में कभी नहीं मुस्कुरा पाओगे, इसलिए आप ही मुस्कुरा के जाओ। कुमकुम सुन रहा है? नहीं बेचारा मुंह लटका क्यों बैठा? बोले मेरा नाम ले दो ना एक बार। ओहो हो, इसलिए ज्ञानियों जाओ, समय बहुत हो गया है, आज इतनी सही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, रवि अंतिम शब्द सुनना। तो मुझे मुनि मानते हो? नहीं भी मानो मुझे चिंता नहीं, लेकिन मानते हो? रवि इधर देखो, यदि दिगंबर मुनि मानते हो, जिनवाणी को जिनवाणी मानते हो, कागज मानते हो, जिनवाणी अरहंत देव को देव मानते हो ना, रवि इन 3 पर तुम्हारा विश्वास है मित्र, तो हृदय से एक बात बताऊं, न विशुद्ध सार काम में आएंगे, न महावीर स्वामी काम में आएंगे, न शास्त्र काम में आएंगे, इन 3 के माध्यम से भावों को पवित्र करके रखना, वो ही तुम्हारे काम में आएगा। जो हम तुम्हारे काम नहीं आ सकते, शास्त्र काम में नहीं आ सकते, प्रभु काम में नहीं आ सकते हैं, तो दुनिया के परपंच कब काम में आएंगे? कभी काम में नहीं आएंगे। इसलिए संस्कार ऐसे डालो। जय भैया यहाँ पर नदी भी है ना, गया में फल्गु नदी है, गया में दुनिया के जितने मरे मराए लोग होते हैं
सब वही फलगु के तट पर सब स्वाह होते। अब जय भैया, जहाँ लोग स्वाह होते थे हम लोग शुद्धि करने जाते थे, वहां पर क्या देखा, लोग बालू भर रहे थे, तो बालू के अंदर परते की परते थे, और फिर नीचे से कई पन्नी निकल रही है, कई कपड़े फटे निकल रहे, कई कंकड़ निकल रहे हैं, पर रहस्य क्या मैंने देखा, तो लोग सोचते बोले महाराज जी नदी पे शुद्धि करने गए होंगे। अरे शुद्धि करने ना, मैं विशुद्धि के लिए भी जाता हूँ, विश्वास में अध्ययन कर रहा था, जितने विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं और ये प्रवचन आपको देश में देना है। पंडित जी जैसे जैसे परते थी, पानी बहा, बालू संग्रह हुआ, परतों की परतें जम गई। ऐसे पंडित जी ध्यान रखना, अब इन सब बातों को समाप्त कर दो। जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, यदि रवि ये हमारे पंडित जी बैठे ना, सुरेंद्र हैं कोई दूसरे, दिनेश भाई अपने पुराने मैनेजर साहब से मिलो, मिलो अब मेरी बात सुनो। जब परतें पड़ रही बालू में, ऐसे ही दिनेश नीटू, ऐसे ही जो तुम देख रहे हो, जो तुम जान रहे हो, वो आपने सोचा हमने देख के जाने के निकल गया, निकले नहीं हो, वो तुम्हारे मस्तिष्क में परत बन गया। और जैसे जैसे खुदाई हुई, वे सारे धागे मागे सब निकल पड़े नदी के अंदर से। मृत्यु का काल आते आते ये सारी परतें खुलेंगी, गुना कपूर चंद वो खुलेंगी, कहीं मित्र किसी के परतों में घड़ा निकल पड़ता है, तो कहीं सड़ा मुर्दा निकल पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। ललितपुर के पास बांसी है, बांसी वहाँ के मंदिर की जमीन की खुदाई हुई, तो पंडित जी मुर्दे निकले कि नहीं निकले, कपाल निकले, हड्डियां निकली ना। हे मित्र, प्रतिष्ठा ग्रंथों में यदि प्रतिष्ठाचार सांचा है, वो जमीन देख के बता देगा इसके भीतर क्या है। पत्थर के भीतर मेढक निकल सकते हैं, सांप निकल सकते हैं, गोरी निकल सकते हैं, और ऐसी भूमि पर मंदिर बनाना नहीं चाहिए। अब प्रश्न ये है कि जैसे भूमि की शल्य शोधन करते आप, प्रतिष्ठा ग्रंथ में लिखा शल्य शोधन क्रिया मालूम, ऐसे मित्र हमारी जिनवाणी में लिखा है आत्मशल्य शोधन क्रिया, माया मिथ्या निदान, ये तीन शल्य इनको शोधन क्रिया करोगे तब तुम अरहंत सिद्ध बन पाओगे, ये परतें जमीन रह जाए। इसलिए रवि यदि आपको जय अच्छे लग रहे हैं उस परत को भी हटा देना, और बुरे लग रहे हैं उसको परत को हटा देना। बोले गुरु जी बुरे लगे हटा दो अच्छी बात है, लेकिन अच्छे लगे तो क्यों हटाऊं। समझ मित्र, बुरे लगेंगे तो जल्दी छूट जाएंगे, वो अच्छे लगेंगे तो भव भव तक फंस जाओगे बेटा। अच्छी परत भी हटा देना, बुरी परत भी हटा देना, इसलिए सुउपयोग भी छोड़ देना, अशुभ उपयोग भी छोड़ देना, शुद्ध उपयोग पर लक्ष्य है। इन दोनों से भिन्न होकर जीना पड़ेगा, पर पहले अशुभ ही छोड़ देना। संस्कार संभाल के रखो। किसी को चिढ़ाने के संस्कार पड़ गए ना आपको, तो आप अंतिम समय भी अंतिम श्वास जब भरोगे पहले किसी को चिढ़ा लोगे। इसलिए आज से प्रतिज्ञान कर दो भगवान अरे ना स्वामी चरणों में। गुरुकुल के बच्चे बन के तुम आ नहीं सकते, अब कम से कम तुम आज के ही बच्चे बन जाओ, यहाँ इस गुरुकुल में सीख के जाओ, कि आज से मैं कोई ऐसी कसाय का अंश नहीं रखूंगा जो मेरी समाधि समय उदय में आकर मुझे परेशान कर जाए। जाओ बैठ जाओ भैया, जीवों को देख के बैठना भाई, अपने जीवन में अरे ना शांतनाथ कुंतनाथ से सीखना कि सुंदर भी है कामदेव भी, पुण्यात्मा है चक्रवर्ती, सम्राट है धनपति, वैराग्य से ये सब तीनों छूट जाते हैं, और रागी के फूटी झुपड़िया भी नहीं छूटती। ऐसे लोग भी यहाँ बैठे होंगे जिनके पानी पीने का लोटे में छेद है तब भी छोड़ नहीं पा रहे, बुरा नहीं मानना, नहीं कोई कह हमारी क्या कह रहे हैं भारत, वो हम नहीं कह रहे, तुम खड़े होकर कह दो तो दुनिया को पता चल जाएगा। इसलिए जाओ, कल फिर आओगे। हाँ, पर यार तो मैं देखता हूँ अपने जीवन में, दिल्ली मुमुक्षियों कुछ यहाँ से सीख के जाना कि अब संस्कार भी देना है जिससे पुनः
मरघट के संस्कार ना हो, सीधा निर्वाण हो। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की जवाणी के ज्ञान ते सुझे लो का लोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे शोभा भी सुख चैन। देव भजो हरि हंत को गुरु सेवा निर्जन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का फल। नौ बड़ा मुखा करेंगे, एक डायरी ये इस महामहोत्सव उपलक्ष्य में भाई राकेश जी लोटस के माध्यम से प्रकाशित की गई है, और यह भेंट कर रहे हैं पूरे संघ के लिए। भेंट कर दिया, जल्दी पहुँचा पहुँचे के ले लो। अब दो का सेट है, एक छोटी डायरी बड़ी डायरी, प्रत्येक साधु संघ पहले आचार्य श्री देते हैं, पहले फिर आचार्य श्री देते हैं, पहले आचार्य श्री ये स्मृति। खुली बात, खुली बात, खुली बात, खुली वाले चल। जनस्नाय चंदनादिश चर्चितान अमृत स्वस्थ चतुकोणेशु चतुकलश स्थापनम करोमि। आ जाए भैया, प्रीति विहार दिल्ली वाले राकेश कुमार जी साहब आए, उनका पहला कलश है। श्री राकेश कुमार जी प्रीति विहार दिल्ली सिखता से आए, पहला अभिषेक उन्हें करना है। आचार्य श्री ससंग पधार चुके हैं, एक अर्घ ले लें, एक अर्घ लें। आनंद निर्भर स्वर प्रमदा दिगानैर वार्दित्य पूर जय सत्य कल प्रशस्तैर उदगीयमान जगति पति कीर्ति मेनाम पीठस्थलिं वसुविधार्चन योल्लसामि ओमृं स्नपन पीठ सज्जनाय अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। चलिए पहले कलश वाले भैया आ गए, जय भैया शुरू करें। कर्म प्रबंधन गडैरपहीन ताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसुता परमाधिदेवम् तामसीय कल्मष गणोन्मथुनाय देवो शुद्धोदकैरभिनयामि नयार्थ तत्त्वम्। सामने का स्थान खुला छोड़ दें, आचार्य श्री को अभिषेक देखने दें। हाँ भाई साहब बोल रहा हूं, शुरू करें। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरिहं वौ वौ मौ मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छेम छेम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जन अभिसिंचयामः। चलिए दूसरे कलश वाले आ जाए, दूसरे पुष्प परिवार, पुष्प परिवार दूसरे कलश के। अच्छा तीन चार लोग कर लीजिए, कर लीजिए। तीर्थोत्तम भवर नहीं रहे क्षेर बार दे रूप गई स्नापयामी सुजन्माप्तान जनान सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ह्रीम ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं अर्हं वं वं मं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिन अभिसिंचयामः। जिन ने अभिषेक कर लिया वो कृपया बाहर आते जाए, जिन ने अभिषेक कर लिया है वो कृपया बाहर आते जाइए। आ जाइए जी बाहर, और को मौका दें। हाँ बन में, हाँ और जो लोग नहीं देख पा रहे बैठ बैठ जाए तो अच्छे से देखेगा, बैठ जाइए। हाँ चलिए दूसरे कलश वाले आ जाइए। तीर्थोत्तम भवर नहीं रहे क्षेर बार दे रूप गई कृष्णाप्यामी सुजन्माप्तान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपा संतम श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्वेंशी तक परम देव माध्या नवाद्य जम्बू दीपे भरत क्षेत्र हरि खंडे उत्तर प्रदेश नवागढ़ से क्षेत्र श्री 1108 आचार्य श्री विश्व सागर जीवन ससंग सानिध्य श्री अरनाथ जन्म में महामस्तकाभिषेक श्री मासा नवोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे पंचम्याम तिथौ शुक्रवासरे श्री मणि हरिका श्रावक साहब का नाम सकल कर्म से अधिकम जले न जिन अभिसिंचयामः। आते जाए भैया, आज जाए। और तीसरे कलश वाले तैयार रहे, श्रीमान राकेश कुमार अधिहंत जैन सोनीपत।
तीसरे कक्ष वाले आ जाए भैया, सोनीपत वाले भैया आ जाइए, आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आने दो। सोनीपत वाले भैया हैं क्या? हाँ चलिए। तीर्थोत्तम भवरने रहे छेरवार रोप गए स्नाप्यामी सुजन्मात्तान जनान सर्वार्थ दिदान। ओम ह्रीम श्री स्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। 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 नंबर से करते चलें। ओम ह्रीम श्री स्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। ओम ह्रीम श्री स्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। आचार्य श्री को गंधु तक दे दो, सभी संघ को गंधु तक देवे। ओम ह्रीम श्री स्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। ओम ह्रीम श्री स्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। भैया वहां पर वो छोटा स्टूल रख दो उतरने के लिए। चलिए चलिए भैया आ जाइए। जिनने अभिषेक कर लिया है उनसे निवेदन है बाहर आ जाए, बाहर आ जाए भैया जिनने अभिषेक कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिनने अभिषेक कर लिया वो बाहर आ जाए। सोनीपत वाले भैया क्या? अच्छा दिल्ली वाले आ जाए भैया। सोनीपत वाले भैया आ जाए। तीर्थोत्तम विरणी रहे छेर बार रोप गई स्नाप्यामी सुजन्मात्तान जनान सर्वार्थ दिदान। ओम ह्रीम श्री विश्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। ओम ह्रीम श्री विश्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। ओम ह्रीम श्री स्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। तीसरे कलश वाले भैया, तीसरा कलश श्रीमान राकेश कुमार अरंजन सोनीपत हरियाणा। हाँ हो गए, बहुत बढ़िया, आ जाइए। चलिए जिनने अभिषेक कर लिया है वो बाहर आते जाए, जिनने अभिषेक उनको बाहर करते जाइएगा। ओम ह्रीम श्री स्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। 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 आचार्य श्री आहारचर्या के लिए निकल चुके हैं। आचार्य श्री आहारचर्या के लिए निकल चुके हैं। चौका वाले सावधान रहेंगे। ओम ह्रीम श्री स्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। ओम ह्रीम श्री स्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। अब भैया किसको बुलाना है बुलाओ। चलिए चलिए चलिए, जिनके नंबर हैं नंबर से आते जाएं। भैया ज़्यादा लोग नहीं आए, ज़्यादा लोग नहीं आए, एक क्रम से आते जाएं। ओम ह्रीम श्री स्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं ईं ह्रीं वं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिने अभिसंचयामः। आगे बढ़ते जाएं, लाइन लगा लें प्लीज। क्यों जिनने अब से कर लिया है वो कृपया आते जाएं। जिनने अब से हम वहां पहुंच जाए यार दिक्कत होगी। जिनने अब से कर लिया है वो वहां से जगह दे दे। बहुत बहुत धन्यवाद आप, बहुत अच्छी व्यवस्था, लाइन लगा ली है आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। भैया रास्ता दो दो। ओम ह्रीम श्रीं छीं ओम ह्रीम श्री विश्वादिवीरांतांजलि निष्णप्यामः। ओम ह्रीं 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 श्रीं छीं ओम ह्रीं श्रीं तीर्थोत्तम भवरनीर छेरवार रूपकै स्नाप्यामि सुजन्मात्तांजनान सर्वासुद्धिदान। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मर्यं बं 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 हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिन अभिसिंचयामः। धारा करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, दूसरों को मौका देते जाएं। चलिए मानस स्तंभ पे जो पहले दूसरे तीसरे कलश वाले हैं उनसे निवेदन है मानस स्तंभ पर भी अभिषेक करें। ऊपर बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई गई है मानस स्तंभ के। हाँ आप लौट के आ जाओ जब तक ये लोग अभिषेक कर ले। हाँ सब लोग मानस स्तंभ पे करके आ जाएं।
फिर लौट के आ जाओ, फिर आपको मास्क सानिधार कराएंगे। चलिए ओम रिम, जिनने अभिषेक कर लिया है वो कृपया मानस स्तंभ पर जाकर के अभिषेक कर ले। स्वर्ण कलश किसके पास है भैया? स्वर्ण कलश जिनके पास है वो वापस दे दें। हाँ स्वर्ण कलश वापस दे दें। ठीक बात व्यवस्था तो व्यवस्था है। स्वर्ण कलश जिनके पास है वापस दे दें। वहां है क्या भैया? वहां देखो, वहां है क्या? चलिए ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मे मरियम बम बम मम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झेम झेम छेम छेम द्राम द्राम। एक है, अच्छा चलिए चलिए भैया आगे बढ़ते जाएं। जिनने अब से कर लिया है वहां व्यवस्थित जल देते जाएं सबके लिए। ओम हाँ, जगह छोड़ दें जिससे भगवान की लाइव टेलीकास्ट भी चलता रहे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ए मरियम बम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तर जलेन जन अभिसिंचया महा। स्वर्ण कलश वाले हैं, पहुंचा भैया। एक स्वर्ण कलश वाले भैया आ रहे हैं, इनको आने दो। हाँ स्वर्ण कलश वाले भैया आप तो हमें बैठ जाए, अब महाराज जी नहीं है सब हमें आचार्य है, अब तो आचार्य। चलिए क्या बात, हो गया भावों की विशुद्धि बनाते रहे। जिनने अब से कर लिया वो आते रहे वापस। हाँ जिनने अब से कर लिया वो बाहर आ जाए। जिनने अब से कर लिया मानस स्तंभ की, मानस स्तंभ के अभिषेक के लिए पहुंच जाए। मानस स्तंभ के अभिषेक के लिए पहुंचते जाएं जिनने अभिषेक कर लिया है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मर्यम वम 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 हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तर जलेन जन अभिसंचया महा। चलिए आगे बढ़ते जाएं जिनने अभिषेक कर लिया। ओम ह्रीम श्रीम स्वादवीरांतन जलेन स्नपया महा। ओम ह्रीम श्री स्वादवीरांतंजलि निष्णपयामः। ओम ह्रीम श्री स्वादवीरांतंजलि निष्णपयामः। ओम ह्रीम श्री विश्वादिवीरांतंजलि निष्णपयामः। ओम ह्रीम श्री स्वादवीरांतंजलि निष्णपयामः। ओम ह्रीम श्री स्वादवीरांतंजलि निष्णपयामः। चलते रहें, खड़े नहीं रहिए, खड़े नहीं रहें, दूसरों को मौका दें। रास्ता दे दो भैया, रास्ता आप बदल लिया, बदल लिया। ओम ह्रीम श्री स्वादवीरांतंजलि निष्णपयामः। भैया जगह दे दो, चलो सामने का स्थान छोड़ो, सामने का स्थान छोड़ दो। जिन्हें अब से कर लिया बाहर आते जाएं भैया। भैया जगह दो, महाराज जी दर्शन करेंगे, महाराज जी दर्शन कर रहे हैं, थोड़ी जगह दो, महाराज जी दर्शन कर रहे हैं। जिनने अब से कर लिया भैया बाहर आते जाएं, समय हो रहा है। रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। चलते रहें भैया, वहां खड़े नहीं रहें, अब से कर लिए बाहर आइए। कल सा धरो रे धरो रे नाम चलते रहें भैया, चलते रहें, धीरे धीरे चलते रहें। पीछे लोग बहुत खड़े हैं, बड़े अच्छे से विशुद्ध भावों के साथ जो पीछे खड़े हैं उनको ज्यादा पुण्य का आश्रय हो रहा है, क्योंकि वो अनुमोदना कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, भावों को विशुद्ध बनाए हुए हैं और अब से करने के बाद निकल जाएंगे। सोने के कलश में जल भर के चांदी के कलश में। भैया एक लाइन ऐसे नहीं, लाइव हो रहा है। थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का। हम जो गा तो नहीं,
और कछु तो हुई है आजकल। आ जाइए जिन्हें आपसे कर लिया वो आ जाए। मस्त का अभिषेक देखो, मस्त का अभिषेक। मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक। मूंगा वर्णी मूरत पे हम चलो फिर से कल शढ़ुराएंगे, मूंगा वर्णी मूरत पे हम चलो फिर से कल शढ़ुराएंगे, चांदनपुर के महावीरा का सर्वांग अभिषेक कराएंगे, चांदनपुर के महावीरा का सर्वांग अभिषेक कराएंगे, वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर कसानी दे पाएंगे, चलो फिर से कल शढ़ुराएंगे प्रभु का अभिषेक कराएंगे, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक। अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक। चलो हम सबको बुलावा आया है, हम सबको बुलावा आया है, 24वे तीर्थंकर का जिसने भी अभिषेक कराया है, 24वे वाले बाबा का चलो हम सबको बुलावा आया है, 24वे तीर्थंकर का जिसने भी अभिषेक कराया है, सबका अभिषेक कराया है, रिद्धि सिद्धि के दाता से मुंह मांगी मुरादे पाएंगे, चलो फिर से कल शढ़ुराएंगे मस्तक अभिषेक में जाएंगे, मस्तक अभिषेक महा मस्तक अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक, मस्त का अभिषेक महा मस्त का अभिषेक।
पे हम चलो फिर से कल शढ़ुराएंगे। मूंगा बरनी मूरत पे हम चलो फिर से कल शढ़ुराएंगे। चांदनपुर के महावीरा का सर्वांग अभिषेक कराएंगे। चांदनपुर के महावीरा का सर्वांग अभिषेक कराएंगे। वात्सल्य वारिधि वर्धमान सागर का सानिध्य पाएंगे। चलो फिर से कल शढ़ुराएंगे, प्रभु का अभिषेक कराएंगे। मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक महामस्तकाभिषेक, मस्तकाभिषेक। आवाज सुने हो तो शीघ्रता से वस्त्र बदलकर भैरी जी में पहुंचे। अरनाथ भगवान का अभिषेक और शांति धारा करने का आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओ आयो आयो रे हमारो बड़ो भाकी हम आए पूजन को। ओ आयो आयो रे हमारो बड़ो भाकी हम आए पूजन को। पूजन को प्रभु दर्शन को, पूजन को प्रभु दर्शन को, पावन प्रभु पद परसन को। ओ आयो आयो रे हमारो बड़ो भाकी हम आए पूजन को। चिन्हवर की अंतर मुख मोटा आत्मदर्श कराती, जिनवर की अंतर मुख मोत्रा आत्मदर्श कराती। मोह महामल प्रच्छालन कर शुद्ध स्वरूप दिखाती। मोह महामल प्रच्छालन कर शुद्ध स्वरूप दिखाती। ओ आयो आयो रे हमारो बड़ो भाकी हम आए पूजन को। ओ आयो आयो रे हमारो बड़ो भाकी हम आए पूजन को। भवकत में चेताले की, भवकत में चेताले की, जग में शोभा वारी भारी। मंगल भजले सुरपति आए, मंगल भजले सुरपति आए, शोभा जिसकी न्यारी न्यारी, शोभा जिसकी न्यारी न्यारी। ओ आयो आयो हमारो बड़ो भाकी हम आए पूजन को। आयो हाँ, सभी गुरुकुल के बच्चों से अनुरोध है कि जो भी बच्चे महामस्तकाभिषेक में सम्मिलित होना चाहते हैं वो सभी बच्चे तुरंत ही पक्षाल घर में जाकर के, पूजन घर में जाकर के धोती बट्टे पहन करके और लाइन से ही दूसरे रास्ते से आएंगे और सभी बच्चे लाइन से आकर के अभिषेक करते जाएं। हाँ, सभी बच्चों से अनुरोध है कि अब सब सभी बच्चे आ सकते हैं। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाकी हम आए पूजन को। अनेकांत मैं वस्तु समझ जिन, अनेकांत मैं वस्तु समझ जिन, शासन भज लहरावे चादुवाद शैली से प्रभु भयो, मुक्ति मार्ग समझावे। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाकी हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाकी हम आए दर्शन को।
हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए आ गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए पा गए। बीत रागी हो तुम्ही सर्वाग हो। सात तत्वों के तुम्ही मर्माग हो। मुक्ति का मार्ग तुम्ही से पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए। बस सारा है ढलकता ज्ञान में किंतु प्रवर लीन है निज ध्यान में निज ज्ञान को हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए। तुमने बताया जगत को सब आत्मा आत्मा। द्रव दृष्टि से सदा परमात्मा परमात्मा। आज निज परमात्मा पद पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए। चले आइए। हाँ जिन जिन्होंने अभिषेक नहीं किया है वो काउंटर से कलश लेकर के आए और अभिषेक करें। और जिनने कर लिया है वो मानस स्तंभ का अभिषेक करें। जिनने मानस स्तंभ का भी अभिषेक कर लिया है वो वहाँ बैठ करके देखें। और हरचर्या में सम्मिलित हों। और जिनने अभिषेक कर लिया है भोजन शुरू हो चुका है। भोजन की व्यवस्था यहाँ समिति के द्वारा की गई है शुद्ध भोजन की। वो भोजन करके अवश्य जाएं।